देखो यार, जब भी कोई ड्रीम इलेवन लगाने जाता है तो उसके मन में उससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि यार मतलब क्या ड्रीम इलेवन मतलब मैं लाखों रुपए जीत जाता हूँ तो क्या ड्रीम इलेवन सच में पैसे देता होगा कि नहीं इसके बारे में, और मतलब क्या ड्रीम इलेवन को कोई हैक करके तो नहीं खेलता, क्योंकि मैं हम आए दिन सुनते हैं कि इस ऐप को हैक कर लेते हैं लोग, इसको हैक कर लेते हैं, इसका मोड वर्जन बना के खेलते हैं, तो कहीं इसका भी तो हैक करके नहीं खेल रहा है? हम लोग इतना पैसे लगा कितना मेहनत कर रहे हैं और कोई हैक करके खेल रहा है, ऐसा तो नहीं? और भाई क्या ये खेलना कोई इलीगल वगैरह तो नहीं, मतलब हम कहीं लाखों रुपए जीत गए आ कहीं हमें आके पुलिस डंडे मार लगे भाई तुम गैम्बलिंग करके जीतो, तो कहीं मतलब ये इलीगल तो नहीं, लीगल है कि नहीं खेलना? मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये भी गैम्बलिंग वगैरह में ही आता है। और मतलब और लास्ट ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या मतलब कोई ट्रिक व्रिक वगैरह है कि ये पूरे लक के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब जो लोग लाखों जीतते होंगे उनको कैसे पता कि भाई यही टीम चलने वाली है, कि उन लोग का लक साथ देता है, कि कोई ट्रिक वगैरह भी है? तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई हम बात करते हैं कि सच में पैसे देता है कि नहीं। तो भाई देखो यार, आप 1 रुपये जीतो चाहे 1 लाख जीतो चाहे 1 करोड़ जीतो, अभी तो एक 49 में चल रहा है 1 करोड़ भी विनिंग प्राइज है, तो चाहे आप 1 करोड़ भी जीतो ड्रीम इलेवन आपको पैसे देता है भाई, ये सच बात है। ड्रीम इलेवन आपको पैसे देगा, इसमें ड्रीम इलेवन का भी कुछ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट भी कहती है आपको पैसे देने के लिए। अभी क्यों, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्यों मतलब ड्रीम इलेवन का कुछ जाता नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का भी इन लोग का सपोर्ट रहता है, ठीक है। अभी हैक का हम लोग बात करते हैं। देखो भाई ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि कुछ हैक नहीं हो सकता, इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है गूगल भी हैक हो सकता है और हुआ भी है कई बार, यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं बड़े बड़े, तो ये क्या है, ये भी हैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो इतनी आसान चीज नहीं है। देखो अगर कोई गेम है, कोई ऐप है मतलब ऑफलाइन है, तो उसको लोग एक बार ऑफलाइन है कि भाई जैसे बन चुका वैसा ही, अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, तो लोग उसको देख लेते हैं, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब उसका पूरा ऑपरेशन ही कर डालते हैं, देख लेते हैं उसका मोड बना देते हैं, अपने हिसाब से उसको रिवर्स कर देते हैं, वो तो समझ में आता है भाई तुम उसको कर लोगे। लेकिन मैं जो ड्रीम इलेवन जैसे जो ऑनलाइन सर्वर पे चलते हैं, यहाँ एक एक सेकंड में हजारों पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, हजारों सर्वर इसमें मतलब एक साथ काम करते, इतने सारे लोग कनेक्ट रहते हैं, तो पूरा एक सर्वर एक नेटवर्क है यहाँ पे, किसी को कोई इसको इस पूरे नेटवर्क को इस पूरे सर्वर को इजिली एक्सेस नहीं कर सकता भाई, इसको इतनी आसानी से हैक कोई नहीं कर सकता, ये मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर लेवल का है, ठीक है। और हम बात करते हैं भाई ये इलीगल वगैरह तो नहीं है। देखो भाई इंडिया गवर्नमेंट ने इसको लीगली रजिस्टर किया हुआ है, ये मतलब इलीगल नहीं है। हाँ असम और उड़ीसा मतलब ऐसे कुछ इंडिया के स्टेट हैं जिन्होंने अपने राज्य में अपने स्टेट में इसको बैन करके रखा, कि असम उड़ीसा ऐसे कुछ स्टेट है भाई वहां पे आप ड्रीम इलेवन नहीं खेल सकते, वो लोग इसको इलीगल ही मानते हैं। लेकिन इंडिया के बाकी जितने भी स्टेट है वहां पे ये लीगल है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है कि आप इसको खेल सकते हो। अब ये पता नहीं ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने क्यों किया है, क्योंकि भाई ये भी एक गैम्बलिंग में ही आता है और इंडिया गवर्नमेंट खुद इसको बढ़ावा देती है, अब इसका कोई पता नहीं। अब हम बात इस करते हैं इसमें कोई ट्रिक वगैरह है कि नहीं। देखो भाई इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अब देखो यार जो लोग रेगुलर मैचेस देखते रहते हैं भाई, कुछ लोग तो इतने ज्यादा मैच के दीवाने होते हैं भाई, वो लोग बता देंगे कि अगले मैच में ये चलने वाला है, इस मैच में ये प्लेयर नहीं चलेगा, मतलब इतने ज्यादा मैच के दीवाने हैं, तो उन लोग के लिए इतना कठिन नहीं होता, वो लोग अपना टिप लगा के मतलब दिमाग लगा कर सकते हैं। और जो लक का बात हुआ भाई, देखो यहाँ पे लक भी साथ देता है, यहाँ पे टिप और ट्रिक जो कहते हैं वो भी है, अपना माइंड भी है और ये लक भी साथ देता है। लेकिन भाई लक सबका साथ नहीं देता, इसीलिए तो उसका नाम लक है। तो भाई देखो यहाँ पे लक सबका साथ नहीं देता, लेकिन अगर कुछ आपका माइंड लगाते हो मतलब मैच के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हो तो अच्छा खासा प्राइज आप यहाँ से जीत सकते हो। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।